बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का फेस पैक। ये फेस पैक स्पेशली एक्नी प्रॉन स्किन के लिए है, जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाते हैं या पस वाले जो पिंपल होते हैं वो हो जाते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को एक्नी चली जाती है और एक्नी स्पॉट्स जो हैं वो हो जाते हैं अपने उनके फेस पर। तो उस मकसद के लिए मैं आप लोगों के लिए एक इंतहाई इफ़ेक्टिव, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का फेस पैक लेकर आई हूँ, जिसके यूज़ से आपको ना सिर्फ एक्नी से छुटकारा मिलेगा बल्कि जो एक्नी स्पॉट्स वगैरह हैं उसको भी ये रिमूव करेगा। और उसके अलावा जिनको ब्लैक हेयर्स या वाइट हेयर्स हैं या पिगमेंटेशन वगैरह है, इंशाल्लाह ताला इसके यूज़ से वो भी रिमूव होगी। तो चलिए हम लोग अपना फेस पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे है वो है नीम पाउडर। आप लोग जो बाज़ार से नीम पाउडर मिलता है वो भी ले सकते हैं, और उसके अलावा जो फ्रेश नीम के पत्ते होते हैं आप लोग उसको लेकर उसका पेस्ट भी बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पर जो है ड्राई लीव्स थे उसको मैंने उसका पाउडर बनाया है। और सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे वो है एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पर ये बाज़ारी एलोवेरा जेल यूज़ की है। अगर आप लोगों के पास ये मौजूद है आप लोग ये ले सकते हैं, वरना आप लोग जो ओरिजिनल एलोवेरा जेल का प्लांट होता है उसको लेकर उसकी जेल निकाल कर और आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल भी हमारी एक्नी वाली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और उसके अलावा जो नीम है ये भी एक्नी को रिमूव करने का काम करती है। और उसके अलावा जिनके फेस पर किसी भी किस्म की इन्फेक्शन है या किसी किस्म की जो एक्नी है ये उसको भी रिमूव करती है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे वो है योगर्ट यानी कि दही। ये हम लोगों ने हाफ चम्मच इसमें यूज़ करनी है। और लास्ट में जो हम लोग इसमें चीज़ यूज़ करेंगे वो है मुल्तानी मिट्टी। मैंने यहाँ पर जो खुली मुल्तानी मिट्टी होती है उसको मैंने रोज़ वाटर में डिप करके रखा हुआ था। अगर आप लोगों के पास वो मौजूद हो तो आप लोग वो ले लें, अदरवाइज़ जो बाज़ार में पाउडर फॉर्म में मिलती है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप लोग जो खुली बाज़ार में मुल्तानी मिट्टी होती है आप लोग उसको इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है जिससे कि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए और तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। इस तरह से हमारा ये फेस पैक बनकर रेडी है। आप लोगों ने इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है और 15 मिनट तक आप लोगों ने इसे लगा रहने देना है। उसके बाद अपने फेस को आप लोगों ने वॉश कर लेना है। इसके फर्स्ट यूज़ से ही आप लोग देखेंगे कि आपके जो पिंपल हैं बहुत ही ज़्यादा कम भी हो जाएंगे, और उसके अलावा जो एक्नी स्पॉट्स वगैरह हैं इससे वो भी रिमूव होंगे। आपके फेस पर ब्लैक हेयर्स हैं या वाइट हेयर्स हैं, पिगमेंटेशन, इंशाल्लाह ताला इसके यूज़ से वो सब मसाइल आपको हल हो जाएंगे। और जिन लोगों के फेस पर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है इसके यूज़ से वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों इस फेस पैक को डेली यूज़ कीजिएगा, और जिनके बहुत ज़्यादा एक्नी है वो एक दिन में आप लोग उसको दो दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।